तो प्रॉफिट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही किसी भी शेयर प्राइस का, लेकिन उसके अलावा हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट एंड का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इस चैनल पे मैं 4th, 14th और 24th तारीख को नए वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियोस दोनों हिंदी और इंग्लिश में बनते हैं, तो आप किसी भी भाषा में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ये वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस में मैं आपके साथ बात करता हूँ फिनेंसिस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, जो भी चीज़ें जो आपको या तो स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिखाई जानी चाहिए थी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए, या ऐसी सारी टूल्स जो आपको अभी भी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाए। मैं इस चैनल को चला रहा हूँ फरवरी 2019 से और मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि मुझे प्लीज़ अपने सवाल पूछे ताकि कमेंट्स में मैं वो सवाल पढ़ सकूँ और उनके जवाब दे सकूँ। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे एक व्यूअर निरंजन जी ने हमसे ये सवाल पूछा था जो अभी आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपके लिए वो सवाल पढ़ भी लेता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ क्योंकि ये सवाल इंग्लिश में पूछा गया है। ये सवाल ये है कि सर, हाउ डज द शेयर प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम? इफ इट इज रिलेटेड टू कंपनीज प्रॉफिट देन व्हाई डज द शेयर प्राइस फॉल इमीडिएटली इफ अ कंपनी गेट्स डिफेम्ड? कंपनी का शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है मार्केट में, और अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस प्रॉफिट के हिसाब से डिटरमाइन होता है तो अगर अचानक किसी कंपनी की खराब न्यूज आ जाती है तो शेयर का प्राइस गिर क्यों जाता है? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया हो। तो निरंजन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखकर हमारे और व्यूवर्स हमसे ऐसे सवाल पूछ सकें जिसका मैं इमीडिएटली अगर हो सके तो जवाब दे दूंगा कमेंट्स में, और अगर वो सवाल लंबा हुआ या अगर उसके लिए कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में समझा सकूं तो मैं ऐसे वीडियोस बना दूंगा। तो अब बात करते हैं निरंजन जी के सवाल के बारे में। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उसके प्रॉफिट से तो डिटरमाइन होता ही है, लेकिन उसके अलावा सबसे पहला फैक्टर किसी भी शेयर प्राइस का होता है उस शेयर का डिमांड और उसकी सप्लाई। मैं समझता हूँ कि ये सवाल जब निरंजन जी ने पूछा था वो इन्फोसिस कंपनी के हिसाब से पूछा था। इन्फोसिस इंडिया की बेहतरीन आईटी कंपनियों में से एक है और रिसेंटली उसमें किसी तरीके की खराब न्यूज़ आई है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरीके का घपला हुआ है। इस न्यूज़ को इग्नोर करने जैसा भी नहीं है और इस न्यूज़ के बारे में सुनकर डरने जैसी बात भी नहीं है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ न्यूज़ आई है। इन्फोसिस अपने हिसाब से बहुत सालों से एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी जाती है, इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है, तो उसमें टोटल कितना घपला है भी कि नहीं, ये चीज को समझने के लिए हमें हो सकता है और बहुत सारे महीने या हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन ऐसी न्यूज का एक इमीडिएट रिजल्ट ये होता है कि इमीडिएटली उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है। अब ये क्यों होता है? जैसे मैं कह रहा था, डिमांड और सप्लाई का खेल है। कितनी बार क्या होता है कि किसी भी शेयर, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी जिसका डिमांड अच्छा हो, जिसका मार्केट में नाम अच्छा हो, जो लगभग हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल प्रॉफिट बना रही है, डिविडेंड दे रही है, तो शेयर होल्डर्स का इस पर्टिकुलर कंपनी में भरोसा बढ़ जाता है और शेयर होल्डर्स उस कंपनी को प्रॉफिट के हिसाब से या बैलेंस शीट के हिसाब से भी ज़्यादा पैसा देते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो अगर इन्फोसिस के शेयर प्राइस 100 या 110 रुपए होनी चाहिए थी तो भी शेयर होल्डर्स उसको 120, 125, 130 रुपए में खरीदने के लिए भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और आने वाले समय में इस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से उनको ये 130 या 140 रुपए का फायदा हो जाएगा क्योंकि आगे जाकर ये कंपनी का प्राइस 200 रुपया हो जाएगा, तब हम इसे बेच देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, लेकिन क्या होता है अगर कभी ऐसी न्यूज आ जाती है तो जिन शेयर होल्डर ने पहले शेयर खरीदा हुआ है या अचानक अगर पैनिक मोड हो जाता है तो लोग जिस शेयर की डिमांड कल तक सपोज 100 शेयर की थी, अगर एक बैड न्यूज आने के बाद में अगर उसकी सप्लाई ही 200 या 250 शेयर की हो जाती, बहुत सारे लोग अपने शेयर अगर बेचने लगते हैं तो उल्टा सीन हो जाता है कि डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती। ऐसे सिचुएशन में लोग 120 रुपए का शेयर 105 रुपए में बेचने लगेंगे, 100 रुपए में बेचेंगे क्योंकि क्या हो सकता है कि किसी ने ये शेयर बहुत साल पहले 10 रुपए में खरीदा हो, 20 रुपए में खरीदा हो, 40 रुपए में खरीदा हो, या हो सकता है भले 120 रुपए में खरीदा लेकिन उन्होंने अच्छे से रिसर्च नहीं की है और क्योंकि इस मार्केट में पैनिक होने के वजह से उनको लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा तो वो 120 रुपए का खरीदा हुआ शेयर भी 110 या 105 रुपए में लॉस पे बेचने लगते हैं। तो प्रॉफिट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही किसी भी शेयर प्राइस का, लेकिन उसके अलावा प्रमोटर्स का शेयर्स को प्लेज करना, मार्केट से डेट उठाना, या किसी और तरीके का घपला होना, या गवर्नमेंट का किसी तरीके का नया रूल निकाल देना जो किसी इंडस्ट्री के लिए
प्रॉब्लमैटिक हो या कहीं पे टैक्स बढ़ जाना या कहीं अगर सपोज इंफोसिस जैसी कंपनी जिसका बहुत सारा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया से आता है और अगर उस कंट्री के रूल्स चेंज हो जाना, ऐसे बहुत सारे मार्केट या एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से भी किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है और किसी भी तरीके से मैं ना आपको कह रहा हूं कि इंफोसिस में इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए, उसके लिए आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। मैंने इस एग्जाम्पल को सिर्फ एक तरीके से लिया है क्योंकि इंफोसिस एक इतनी बड़ी कंपनी है और उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी फेस किए हैं। मैं आशा करता हूं निरंजन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एज अ व्यूअर अगर आपके मन में भी ऐसा कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट्स में अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सवाल बहुत सिंपल हुआ तो मैं उसका इमीडिएटली कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ और अगर मुझे लगता है कि वो एक टॉपिक बड़ा है जिसको मैं एक ऐसे वीडियो से क्लियर कर सकता हूं तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाकर आपको उस सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।